सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो अगर आप गूगल क्रोम पर ब्राउजिंग करते हैं और उसको आप और ज्यादा सेफ बनाना चाहते हैं, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। गूगल क्रोम पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर प्रोटेक्शन बढ़ाना है तो बहुत सिंपल है। आपको जाना है राइट हैंड साइड में, देखिए 3 डॉट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। थ्री मेरे में अपडेट दिखा रहा है क्योंकि नया अपडेट आया होगा, इसलिए यहाँ पे अपडेट लिख के आ रहा है। आपकी हो सकता है अपडेट ना दिखा रहा हो, तो सिर्फ इस इन 3 डॉट्स पे क्लिक करिएगा। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है सेटिंग पे। ये रहा सेटिंग, इस पे क्लिक कर दीजिए तो सेटिंग का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है सिक्योरिटी में। देखिए ऊपर से तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। पहला देखिए इनहांस है, इनहांस प्रोटेक्शन है। दूसरा स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है। तीसरा नो प्रोटेक्शन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड, जो कि रिकमेंड नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे फिलहाल ये यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है हमने। अब अगर हमें इसकी प्रोटेक्शन बढ़ानी है तो हमको इस पे करना है क्लिक, यानी कि इनहांस प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, फास्टर प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट, डाउनलोड एक्सटेंशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, वन बाई वन आप पढ़ सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे है वो भी कम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रोटेक्शन और बढ़ाना तो इनहांस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बस इतना ही करना है अपने गूगल क्रोम की प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए।